बट कुछ ऐसे होते हैं कि हाँ श्योर नहीं है, जो टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, तो कोशिश करो कि आप अपने 2025 नीट की तैयारी करना शुरू कर दो। हेलो एवरीवन, आई एम मधु फ्रॉम टॉपर्स एकेडमी। तो आज की मैं इस वीडियो में जो रीनीट के बारे में बहुत ज़्यादा अफवाहें फैल रही है उसके बारे में मैं बात करूँगी, ठीक है। तो बहुत स्टूडेंट है, ठीक है, जिन्होंने इस बार नीट 2024 दिया है, बट आपको पता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी ख़राब हो गई हैं। तो बहुत चीज़ें ऐसी आई भी हैं कि रीनीट होगा, क्या होगा, कुछ नहीं पता। अभी तक केस चल रहा है, कब तक चलेगा कुछ भी नहीं पता। तो अभी तक इसमें क्या हो रहा है कि तीन सिचुएशन सामने आ रही है। अभी बोला गया था कि शायद जो भी रिजल्ट आया है उसमें 6 तारीख से बच्चों की काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, बट अभी तक स्टार्ट नहीं, शायद ना हो, ठीक है, वो शायद आगे हो जाए। बट अभी भी इस चीज़ में तीन सिचुएशंस आ रही है। तीन सिचुएशन ये आ रही है कि क्या पता आप लोगों का रीनीट हो, क्या पता। सेकंड सिचुएशन ये है कि क्या पता आप लोगों की जो ये कुछ पेपर्स हैं, आंसर शीट्स हैं, उसकी रीचेकिंग हो, और क्या मतलब ये है कि जो भी रिजल्ट आया है उस बेसिस पे काउंसलिंग हो, ठीक है। तो इस चीज़ को एक मतलब लास्ट तक आने में कि क्या होगा क्या नहीं होगा, बहुत चीज़ें, बहुत टाइम ख़राब हो जाएगा। तो इससे अच्छा है जो बच्चे श्योर, पहले तो जो बच्चे श्योर हैं, ठीक है, कि हाँ भाई होगा नहीं होगा सब चीज़, वो बेसिकली आप लोगों के ऊपर है, ठीक है। बट कुछ ऐसे होते हैं कि हाँ श्योर नहीं है, जो टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, तो कोशिश करो कि आप अपने 2025 नीट की तैयारी करना शुरू कर दो। टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करो, ठीक है। तो हम लोग यही बोलेंगे, अपना जो भी नीट की 2025 की प्रिपरेशन है उसे स्टार्ट कर दो, क्योंकि अभी रीचेकिंग, री नीट, काउंसलिंग कब होगी कुछ नहीं पता। तो इससे अच्छा अपना नीट का जो नेक्स्ट ईयर है 2025, उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। थैंक यू सो मच।